अभी मैं शेमकन के लिए जा रहा हूँ। ये छोटा सा एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है आलमाटी का। यहाँ पर बस आते ही ख़त्म हो गया और यहाँ पर हमारी अभी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा और जाने दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ, मेरा मुझे यहाँ पर एक आलमाटी का जो है लड़का दोस्त बन गया है, तो वो अभी गुस्से। यस यू हैव अ नाइस a good one. What is and two of us. Both of us. Hi. Okay. It's not started. Yes, it has started. Started? Yes, it has started. We have to go inside now. Gate 7, gate 5. अभी जा रहे हैं हम, हमारा फाइव में कहीं लगा होगा प्लेन हमारा। टू टू फोर, वी हैव टू गो फाइव। बस नो वन इज चेकिंग, चेक दे विल चेक। अभी स्टार्ट ही नहीं है बोर्डिंग, फायर की खोल दिया जाओ यहाँ से, अभी लगा ही नहीं है हमारा प्लेन, यहाँ लगने वाला है। यस कल हम निकले यहाँ, ठीक है ना, आपकी कारबारी आ गई जाने की, कैट यू बोर्डिंग पास टिकट रेडी। नाउ गुड फीलिंग, यस सेम गुड, वी आर अबाउट टू नाउ लीव, गेट इनसाइड प्लेन। हमारा जहाज़ जो है यहाँ पर है, पीछे वाला आस्ताना है और हम अंदर जा रहे हैं। That's my seat. आपकी कार जगह मिल गई यहाँ पर, विंडो सीट। और बाहर देखिए सामान भर रहे हैं, ये रहा उज़्बेकिस्तान का जहाज जिस पर मैं दो दिन तीन दिन के बाद जाऊंगा, उज़्बेकिस्तान। उधर लिखा हुआ है आलमाटी, अगर दूसरा हो थोड़ा सा भी। नज़ारा शंकर जाने के बाद इंशाल्लाह वापस ट्रेन से आ रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ट्रेन भी देख लेते हैं कैसी है। स्कैट एयरलाइंस के लिए भी बोला गया था कि इसमें जगह नहीं होती है, इसमें काफ़ी जगह है, इसलिए उनने पानी दिया हमें। बाकी
काफ़ी जगह है देखने के लिए, बस फुटरेस्ट नहीं है, स्क्रीन नहीं है, ये 737 MAX है। देखिए बाहर के नज़ारे, बाहर के नज़ारे हैं। टेरेस्टर स्टार्ट हो गया है निकलने के लिए, टैक्सी स्टार्ट हो चुकी है। आप माफ कर, कहीं ना कहीं से ले जाएंगे। चला और मोड़ काट रहा है, अभी बस अलमट से जा रहा हूँ शिमकेंट डोमेस्टिक T1 एयरपोर्ट से, अभी स्कैट एयरवेज में। सबने कहा था बेकार है, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी। पाकिस्तान भी ठीक ही है, उतनी खास हो रही है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी फ्लाइट है। स्कैट एयरवेज अच्छी है और कोई ये नहीं कितने केजी है, वेट कितना नहीं। बैग एक साथ था, उन्होंने देखा। कश्मीर की तरह यहाँ पर भी घर है, लेकिन ज़्यादातर घर है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, बस इतना ही। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं रहने के लायक, इतना ही बनाते हैं। कहने पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैंने फिर आजमाया, खुद देखा, फर्स्ट क्लास है सब कुछ, कोई इशू नहीं है। एक घंटे का सफ़र है, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आए कैसे निकल गए। फिर मेरी वहाँ से ट्रेन है रात को 7:30 बजे ट्रेन है, सुबह 6 बजे मैं वापस यहाँ पहुँच जाऊँगा। देखिए नज़ारा,
में ही शेयर बसा है, बाकी तो पूरी दुनिया खाली है। यहाँ तो मुझे लगता है जिस तरह ज़मीन है, मुझे लगता है सिर्फ 20% ही आबादी है, बाकी ज़मीन जो खाली है 80% ज़मीन खाली है। तो उसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ इंडियन लड़के भी मिले पंजाब से भी, जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी की, डिग्री लेते हैं वो 25-30 लाख रुपये लगते हैं डिग्री लेने में, साथ में खाना पीना अलग से है, तकरीबन लगे चलो 40-50 लाख लग जाते हैं डॉक्टरेट हासिल करने में। फिर वहाँ पर वो इंडिया में जाके फिर MCI का एग्ज़ाम देते हैं, वो क्वालिफाई होते ही तो वो प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाते हैं इंडिया के। ऑलमोस्ट पढ़ाई तो सेम ही होगी डॉक्टरेट में। चलिए यहाँ तक कर सकता हूँ मैं इसको वीडियो को। तो ये था खाली कि जो हमारा आलमाटी से शिमगंज का सफ़र है, तो ये टेक ऑफ था आलमाटी से, उसके लिए बनाया गया क्लिप।